एग्ज़ाम प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी का एग्ज़ाम छूट चुका है। हम आ चुके हैं MIT मुरादाबाद में, तो एग्ज़ाम छूट चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। आज बच्चों से पूछेंगे कैसा एग्ज़ाम रहा। कुलदीप नाम। कैसा गया एग्ज़ाम भैया? बढ़िया, बिल्कुल एकदम। कितने क्वेश्चन करे भैया? हमने करे 61। 61 जी। कोई क्वेश्चन बताइए भैया जी। एग्ज़ाम एक पूछा गया था 70वां आर्टिकल। अच्छा, और गोवा के बोले गए थे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पूछे गए गोवा के जी। मार्च। आप बताइए भैया क्या नाम है आपका? नितिन सैनी। नितिन भाई बताइए कोई क्वेश्चन। उसमें हिंदी में पूछा था गया था जिसे मापा ना जा सके। अच्छा, जिसे मापा ना जा सके। और रीजनिंग में थे कुछ सिंपल थे रीजनिंग में, इतना है जैसे दे दिया था उसने 1995, 1895, 1695, 1395। उसके बाद वो डिफरेंट दे रहा था उसमें, पहले में एक अंतर, दो अंतर, तीन अंतर, फिर जो चौथा ऑप्शन था उसमें चार अंतर था। लेवल बढ़ा तो नहीं है भाई? लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। और जो बाहर की जो वीडियो डाली जा रही है ना, वो खाली बहकाने के लिए डाली जा रही है। बहकाने के लिए? हाँ, बेकार में। हर एक गणित के जितने भी वो आ रहे हैं उसमें दो या तीन ही क्वेश्चन आ रहे हैं हार्ड। भाई कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है बस। हाँ भाई, आप बताइए कितने क्वेश्चन करे भैया? लेकिन हमें ये एहसास हो गया कि SSC GD का जो पेपर है वो किस तरीके से आया था। हम लोग नए थे ना, तो इस वजह से हमारे लिए पता चल गया। आगे को अगर भविष्य में आएगा तो मैं अपने आप से भरोसा देता हूँ कि मैं आगे जो कर दूंगा, हाँ बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, मतलब जॉब मुझे मिल जाएगी। आप कहाँ से तैयारी करते हैं? सर मैं तैयारी, हमारा जो गांव है वो तहसील सावा डिस्ट्रिक्ट रामपुर से है हम लोग, और तैयारी करते हैं सर। आपका नाम? गौरव कुमार। थैंक यू भाई। हाँ सर, सर जो है ना करंट अफेयर से तो आ रही है, लेकिन पुष्कर मेला राजस्थान में कितनी बार लगता है एक साल में, ये भी था। और जो है मीठे पानी की झील, हाँ वहाँ पर है वो। हाँ वो पूछा था कौन सी मीठे पानी की नहीं है, और सबसे पहले ऑप्शन में हमारे में सांभर झील था, वो राजस्थान की नमक की झील थी, मैंने टिक किया। और भी काफ़ी सारे थे, मतलब अच्छा आ रहा है क्वेश्चन पेपर, लेकिन थोड़ा टाइम का जो है ना, कर्जर ऊपर ले जाना और टिक करना, यही टाइम खा रहा है, बाकी तो नॉर्मल है। मैथ भी आसान है, पेपर हल्का आ रहा है। कितने क्वेश्चन करे भैया? अरे पेपर तो मतलब क्वेश्चन तो मैंने 75 कर दिया। 75 भैया, कहाँ से तैयारी करते हैं? सेल्फ स्टडी। हाँ सेल्फ स्टडी चलती है। कब से तैयारी कर रहे हैं भैया? 3 साल हुए अभी। 3 साल से? हाँ पहली बार एग्जाम दे रहे हैं? नहीं नहीं, GD का दूसरी बार। अच्छा, तो पहली बार क्या हुआ? 72.75 था फाइनल मेट से, बाहर हो गए थे। ठीक है भाई। हाँ बताइए भैया कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन करे थे। 60। नाम बताइए भैया। सुमित कुमार। सुमित भाई बताइए कहाँ से तैयारी की थी? तैयारी ग्रेट पाठशाला फतेहगंज। हाँ कोई क्वेश्चन बताइए अगर याद का हो तो आपके। क्वेश्चन दो। हाँ हिंदी में, रीजनिंग में, मैथ में बता दो। 10% के हिसाब से 2 वर्ष का आता जो CIE ऐसा था उसका निकालना था। मैथ तो हमने ज़्यादा नहीं की थी, मैथ के तो 5% एंड करे थे। ठीक है, थैंक यू भाई। हाँ भैया कितने क्वेश्चन करे? 61। कोई क्वेश्चन बताइए भैया। क्या कोई क्वेश्चन? अगर हिंदी का क्वेश्चन है, दोस्त का भी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। कितने क्वेश्चन करिए? 61। कहाँ से आ रहे हैं? मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इधर आ जाइए। हाँ भैया बताइए क्वेश्चन। कहाँ से तैयारी की थी भैया? हमने की थी एग्जामपुर। एग्जामपुर से? कैसा गया आपका लेवल? कैसा रहा? हमारा लेवल अच्छा गया फिर भी। हाँ कोई क्वेश्चन बताइए। कोई क्वेश्चन उससे पूछा पंचवर्षीय योजना है और पुष्कर बेला पांचवी। कार्यकाल? हाँ बताइए। कितने क्वेश्चन करे? 65। क्या नाम है भैया? विकास यादव। विकास भैया बताइए कोई क्वेश्चन अगर याद हो। हिंदी में एक क्वेश्चन आया था, ग्रामीण से संबंधित आया था। ग्रामीण। आप बताइए हिंदी में हो गया आपका एग्जाम? आपका हो गया? मेरे तो पहल, हाँ उसमें से मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है। अगर पेपर करना भी है तो उससे पहले बैक साइड से पेपर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि पीछे से पेपर सरल आ रहा है, आगे कैलकुलेशन ज़्यादा, पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में डाल दे रहे हैं, और पीछे से अगर करेंगे तो कैलकुलेशन आपके लिए कम करना पड़ेगी, इससे क्वेश्चन कम छूटेंगे आपके और सरल रहेगा इससे। ठीक है, थैंक यू भाई। कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है। ज़्यादा आ रही है कैलकुलेशन? हाँ इसमें कैलकुलेशन टफ है, पॉइंटों में ज़्यादा जा रहा है। ठीक है भाई। भाई यूट्यूब पर क्या दिखाते हैं, 10 दूना 20, 20 दूना 40, मगर ये नहीं है 20 दूना 40, वहाँ पॉइंटों में कैलकुलेशन जा रही है। पॉइंटों में जा रही है? हाँ पॉइंटों में माना। मतलब यूट्यूब वाले क्या दिखा रहे हैं आपको, मतलब बच्चे कह रहे हैं 10-10 अपन 100 कर देते हैं बस, 10-10 अपन 100 तो ही होते रहते हैं भाई,
सबको पता होता है, मगर कैलकुलेशन ऐसी नहीं आ रही है। वहाँ पूछ रहा है पॉइंटों में मान आ रहा है। अब भाई पॉइंट में बच्चा जब कैलकुलेशन करेगा तो गड़बड़ा जाएगा ना, उसके लिए टाइमिंग चाहिए। इसलिए जो भी कैलकुलेशन हो फास्ट होनी चाहिए बस। हाँ मैं सरल आई थी, मगर वही बात जब कैलकुलेशन पॉइंटों में जरूर है, कैलकुलेशन सरल आए तो कर लेंगे, बस यही कहना है और क्या। पता होता है लेकिन पेपर सबका अच्छा, रिजल्ट खराब आता है बस। रिजल्ट तो तभी खराब आता है ना जब तैयारी नहीं करते हैं। तो वो तो लोग सोचते हैं तैयारी होती है तब भी रिजल्ट लोगों का डाउन आता है। तैयारी सभी आप कितने 70 करके आए भाई? 70 कहाँ से तैयारी करी भाई? RWA से। RWA कोई आया क्वेश्चन याद है आपके? हाँ बहुत काफ़ी क्वेश्चन आए थे। कब से तैयारी कर रहे हैं भैया? एक साल हो गया भैया। एक साल से आप बताइए कोई क्वेश्चन अगर याद का हो तो आपकी। गोवा के मुख्यमंत्री पूछे थे। अच्छा गोवा के? हाँ प्रमोद सावंत हैं जो, और वहाँ का नृत्य आया था तमिलनाडु का नृत्य पूछा था। और फिलहाल क्वेश्चन तो याद है, मतलब बोल नहीं मिल रहा। मैथ में? रीजनिंग मैथ थोड़ी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है कम है ना? थोड़ी टाइम की दिक्कत हो रही है बस, सारी दिक्कत टाइम की है। जी टाइम आता घंटा और होता तो सारा पेपर हो जाता। टाइम की तो बहुत ज़्यादा, बस टाइम की बहुत दिक्कत है। सॉरी सारी दिक्कत टाइम की है। ठीक है थैंक यू भाई। कितने क्वेश्चन करिए आप? मैंने 65। क्या नाम है भैया आपका? मेरा देवेंद्र गंगवार। देवेंद्र भाई बताइए कोई क्वेश्चन अगर याद का हो तो। अपना हाथ जगन्नाथ हिंदी में मुहावरा पूछ रहे हैं जी। ठीक है, गोवा का मुख्यमंत्री और अस्पष्टता का अंत, मौलियाँ 140 किलोमीटर घंटा की 45 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही है, दोनों मिलने के बाद 4 घंटे के बाद मिलती हैं, और टाइम एंड डिस्टेंस है। हाँ टाइम एंड डिस्टेंस है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है जो कि 340 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद ये है एक कार 85,000 रुपये में खरीद के और 10% 15% क्रमागत छूट पर, प्रॉफिट एंड लॉस से 15% और 10% की छूट पे मतलब बेच के 3500 रुपया मरम्मत पे लगाया, 3800 मरम्मत पे लगाया, मरम्मत के बाद 25% लाभ ज्ञात करने के लिए कार को कितने में बेचा जाए। ठीक है, उसके बाद है रीजनिंग बताइए। रीजनिंग में है सीटिंग अरेंजमेंट का है 2 से लेके 3 क्वेश्चन, और उसके बाद आकृति है और दर्पण प्रतिबंब है। ठीक है, और हिंदी में आपका जैसे विलोम शब्द है ये आ रहे हैं। ठीक है ठीक है भाई, आप बताइए। आप जा रहे हैं और आप जो क्वेश्चन पूछो मैं बताऊंगा। बताइए रीजनिंग में बताइए, रीजनिंग में बताइए, जीएस में बताइए, इतिहास से आया, भूगोल से आया कोई क्वेश्चन? नहीं इतिहास भूगोल से कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है भाई थैंक यू। क्वेश्चन कहाँ से तैयारी की थी भाई? उजानी से की थी, कैरियर कोचिंग सेंटर से। क्या नाम है भाई आपका? भाई अमन कुमार नाम है मेरा। भाई कब से तैयारी कर रहे हैं आप? लगभग हो गए चार महीने हो गए। तो कोई क्वेश्चन है बताइए आपके याद, अगर कोई हो तो। याद नहीं पता मुझे, मतलब रीजनिंग में, जीएस में, मैथ में, जीके में आया था लाल बाल पाल किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मली थे, कई क्वेश्चन थे ऐसे। करंट से क्वेश्चन थे, करंट से काफ़ी क्वेश्चन थे, पता नहीं मुझे लेकिन याद नहीं किया, मैं करता रहा, समय कम था ना, हो जाता समय निकल जाता, कर आया मैं जो आया मेरे। ठीक है भाई थैंक यू।